जीनत खान, जिन्हें जीनत अमान के नाम से जाना जाता है, जो एक बेहतरीन भारतीय अभिनेत्री और एक मॉडल है, और उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए बिताया। वो 70 से 80 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ और सफल अभिनेत्री माना जाता है, जो एक समय पर अपने अभिनय से दर्शकों की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बनी हुई थी। लेकिन आज हम आपको इनके परिवार से रूबरू करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। आज भी लोग उनकी फिल्म यादों की बारात के गाने चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उतने ही दिल से गाते हैं जितना उस समय गाया करते थे। उनके बेहतरीन फिल्मों में से एक धर्मवीर ना जाने लोगों ने कितनी बार देखी है। और उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण, जिसमें उनके साथ देवानंद साहब थे, अपने समय की बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाती थी। अभिनेत्री ने अपने पूरे करियर में बड़ी लोकप्रियता और प्रसिद्धि हासिल की है और अपने अद्भुत प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। जीनत अमान का जन्म जीनत खान के रूप में 19 नवंबर 1951 को महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में पिता अमानुल्लाह खान एवं माँ सिंदा खान के यहाँ एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जीनत अमान दिवंगत अमानुल्लाह खान की बेटी है, जिन्होंने मुगले आजम और पाकीजा फिल्मों की पटकथा लिखी थी। अब जीनत 13 साल की थी तब उनकी मौत हो गई। जीनत ने अपने सरनेम अमान के रूप में अपने पिता का नाम अपनाया है। उनकी माँ ने बाद में हेंच से शादी की थी, जो उनके सौतेले पिता बने। जीनत ने कभी भी अपने नाम के साथ हेंच शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा अपने पहले पिता के नाम के साथ ही जानी गई, जो कि था जीनत अमान। जीनत ने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से प्राप्त की। उसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति की सहायता से लॉस एंजल्स में दक्षिणी कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय गई, लेकिन वह अपना स्नातक पूरा नहीं कर सकी। आपको बता दें कि इनके पिता का नाम अमानुल्लाह खान था, वही इनके सौतेले पिता हेंच था। उनकी माता का नाम सिंदा हेंच उर्फ वर्धिनी था। जीनत को अपने विवाहित जीवन के साथ वास्तव में बुरा अनुभव था। संजय खान के साथ उनकी पहली शादी के एक साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी पहली पत्नी ने भी उनके साथ मारपीट की। जीनत की दूसरी शादी साल 1985 में अभिनेता मजहर खान से हुई थी और उसकी दूसरी शादी में भी कुछ भी ठीक नहीं रहा। वो फिर से निराश हो गई और 12 साल की लंबी परेशान शादी के बाद अपने पति को छोड़ दिया। जीनत के दूसरे पति की साल 1998 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले ही जीनत अपने पति को छोड़ चुकी थी। जीनत के दूसरे पति मजहर खान से उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम जहान खान और अजान खान है। फिल्म निर्देशक अजान खान वही है जिन्होंने डकैती फिल्म बैक्स्टर का निर्देशन किया था। जीनत अमान कई कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले चुकी थी। वो मिस इंडिया ब्यूटी पेंजेंट 1970 में सेकेंड रनर अप रही। वो मिस पैसिफिक एशिया 1970 का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। उन्होंने मनाली में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया और एक खिताब मिस फोटोजेनिक जीता। साल 1971 में जीनत ने फिल्म हलचल में एक छोटी भूमिका निभाकर बॉलीवुड में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उसी साल उनकी दूसरी फिल्म हंगामा ने भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें विनोद खन्ना, किशोर कुमार, महमूद और हेलन ने अभिनय किया। जीनत की दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ज्यादातर लोग हरे रामा हरे कृष्ण को अपनी पहली फिल्म मानते हैं, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही 2 फिल्में हलचल और हंगामा कर चुकी थी। जीनत अपनी पहली 2 फिल्मों की असफलता से निराश थी और अपने अभिनय करियर को लेकर गैर सीरियस हो गई थी। हरे रामा हरे कृष्ण का रिलीज से पहले ही वो अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ देश छोड़ने वाली थी, लेकिन देवानंद ने उन्हें रिलीज होने तक वही रहने की जिद की। फिल्म की व्यावसायिक सफलता से उन्हें बॉलीवुड में एक अभिनेत्री के रूप में जारी रखने के बारे में फिर से बात करने के लिए मजबूर किया। जीनत अमान ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी और कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्में कर चुकी, जिनमें उन्होंने साल 1974 में मनोज कुमार की फिल्म
रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय किया। वह दिग्गज अभिनेता देव आनंद के साथ प्रेम शास्त्र और इश्क 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 में दिखाई दी। इसके अलावा उन्होंने 1976 में शशि कपूर के साथ फिल्म दीवानगी, राजेश खन्ना के साथ अजनबी, अभिनेता धर्मेंद्र एवं जितेंद्र के साथ धर्मवीर फिल्म में काम किया। जीनत ने अपने समय में शालीमार, डॉन, राम बलराम, अली बाबा और 40 चोर, लावारिस, तकदीर इत्यादि जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। जब जीनत अमान को पता चला कि राज कपूर साहब एक फिल्म बना रहे हैं जिनका नाम सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो जले हुए चेहरे के मेकअप के साथ और गांव की एक लड़की के साथ राज कपूर के पास गई। राज कपूर जो अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मुख्य किरदार रूपा के लिए अभिनेत्री खोज रहे थे, वो वास्तव में उसके प्रयास से प्रभावित हो गए थे और उसने तुरंत जीनत को मुख्य भूमिका के लिए साइन कर लिया। जीनत फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में अपने बोल्ड दृश्यों के लिए विवादों में आ गई। वो अपने पहले पति संजय खान के साथ अपमानजनक शादी के कारण परेशानी के लिए चर्चा में थी। शादी के एक साल बाद अंदर ही कपल अलग हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।